सोचो तो हमारा पहले ये प्लान है कि अभी हम लोग नक्की लेक जा रहे हैं वहाँ पे। अरे यार बारिश तेज हो रही है। मनाली बालू बालू काफी मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि हम लोग ऐसे जंगल के बीच में चल रहे हैं। मतलब देखो पूरा मतलब चारों साइड जंगली जंगल है। वेलकम बैक टू माय चैनल रोमिल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सचिन उपाध्याय है। जैसे कि आज तारीख है 20 अगस्त 2023 और आप सबको पता होगा कि मैं अहमदाबाद टू माउंट आबू अपने एक्टिवा पे निकला था और अभी मैं माउंट आबू पहुंच चुका हूं। तो अभी हमारा ये प्लान है कि अभी हम लोग मतलब थोड़ा सा लोकल घूमने जा रहे हैं। अभी टाइमिंग की बात करूं तो अभी करीबन 8:21 हुई है। तो हम सोच रहे कि भाई नक्की लेक जाए और मेरी बहन को ट्रैक भी करना है। तो नक्की लेक के पास जाके देखेंगे, बहुत सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स वाली कंपनीज होती है ना, तो उसके साथ देख लेंगे कि कौन से ट्रैक्स होते हैं। तो अभी हमारा ये प्लान है कि अभी हम लोग यहाँ से अपने जो होटल थे ना वहाँ से निकल रहे। चेक इन हम लोगों ने किया नहीं क्योंकि 10 बजे का चेक इन है और अभी करीबन 8:21 हुई है। तो हमने सोचा कि थोड़ा लोकल घूम लेते हैं, फिर आराम से रूम में आके चिल करेंगे। सोचो तो हमारा पहले ये प्लान है कि अभी हम लोग नक्की लेक जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा लोकल कुछ एक्सप्लोर करेंगे। बाद में गुरु शिखर बहुत कुछ है, पर अभी हम लोग नक्की लेक जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ बोटिंग वोटिंग करेंगे। चलो आगे से ही जाते हैं। ऐसे बीच में से था पर मुझे जाना नहीं क्योंकि शॉर्टकट है और ऊपर से ऐसे ढलान है, तो सोच रहे कि थोड़ा लंबा रूट लेते हैं तब तक थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेंगे। अरे बारिश तेज हो रही है। तो मुझे आपको यहाँ पर पूरा रोड दिखाना था पर देखो बारिश की ना बहुत तेज़ हो गई है, तो ये कैमरा को मैं अंदर रख रहा हूँ क्योंकि रिस्क नहीं लेना, पता नहीं ये वाटर रेजिस्टेंट ऐसा कुछ है कि नहीं। तो कैमरा को अंदर रखता हूँ, वैसे भी 1 किलोमीटर ही है तो नक्की लेक जाके थोड़ा आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने पूछा ना कि यहाँ पे बोटिंग कितने बजे होता है, तो उन्होंने बोला कि बोटिंग जो है ना वो 10 बजे ओपन होता है। अभी तो सिर्फ 9 ही बजे है, इसलिए मैंने बोला इतना खाली खाली क्यों है। पर अगर आप आ रहे हो तो ध्यान रखें कि नक्की लेक जो है ना वो 10 बजे, वैसे तो ओपन रहता है पर आपको बोटिंग करनी है तो 10 बजे आना पड़ेगा आपको। तो ग्रीनरी काफ़ी है क्योंकि मानसून की सीज़न है ना, तो काफ़ी कैसे मतलब ग्रीनरी है, एटमोसफेयर भी ऐसा काफ़ी ठंडा है। नौ दस हुई है पर ऑलमोस्ट यहाँ पे आधी शॉप से ओपन ही नहीं हुई, बंद ही है। बस खाने पीने की कुछ शॉप्स यहाँ पे ओपन है। श्री दुलेश्वर महादेव, मतलब मुझे अभी भी याद है लाइक जब हम लोग फैमिली के साथ आते थे ना तो इसी जगह पे एग्जैक्ट इसी जगह पे रुकते थे, श्री दुलेश्वर महादेव। तो बहुत सोचने के बाद हम लोगों ने ये प्लान किया कि यहाँ पर अर्बुदा देवी मंदिर है तो हम लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। नक्की लेक से अर्बुदा देवी मंदिर की दूरी करीबन 2.1 किलोमीटर है। हाँ रही ना अर्बुदा देवी जी शक्ति द्वार, पैदल जा सकता। सो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अर्बुदा देवी मंदिर। जैसे कि आबू है ना तो यहाँ के लोग अर्बुदा देवी मंदिर को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे आए। एक्चुअली पहले हमारा हम लोगों का हनीमून पॉइंट जाने का प्लान था क्योंकि वहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा आता है, पर वहाँ पे जाने के लिए 2 रास्ते थे, दोनों रास्ते बंद है। हमने किसी लोकल को पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जाने के लिए रास्ता बंद है, आपको आधा घंटा ना मतलब चलना पड़ेगा। और व्यू तो उन्होंने बोला कि अगर आप जाओ भी सही तो भी कोई दिक्कत मतलब आपको आप शाम में जाओ क्योंकि सनसेट होगा। तो मैंने बोला आधा घंटा चलना पड़ेगा तो फिर मतलब कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि हमारे पास सामान है, और ऊपर से वो होटल वालों ने बोला है कि आप आधा घंटा और लगेगा आपका रूम खाली होने में। तो हमने सोचा कि तब तक कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक जगह दिखी है अर्बुदा देवी मंदिर, तो हमने सोचा कि अर्बुदा देवी मंदिर पे दर्शन करते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा अर्बुदा देवी मंदिर के बारे में बताऊँ तो अर्बुदा पर्वत महाकाव्य महाभारत में वर्णित एक पर्वत श्रृंखला है। इसकी पहचान भारत के दक्षिणी राजस्थान में माउंट आबू के रूप में की जाती है।
इस पर्वत का उल्लेख अर्जुन की 12 वर्षीय तीर्थ यात्रा के दौरान किया गया है। अधर देवी मंदिर, जिसे अर्बुदा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, माउंट आबू में एक पहाड़ी पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह माउंट आबू में घूमने के लिए मुख्य स्थानों में से एक है। अर्बुदा देवी कात्यायनी देवी का अवतार है। अधर देवी मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। किंवदंती है कि देवी का आधार गिर गया और वह हवा में लटके हुए पाए गए। कैसे व्यू काफी अच्छा है, पूरी तरफ ग्रीनरी है देखो। यह गुफा मंदिर एक चट्टानी दरार के अंदर स्थित है और 365 सीढ़ियों की चढ़ाई के माध्यम से वहां तक पहुंचा जा सकता है, जो पहाड़ी में खुदी हुई है। भीतरी मंदिर तक एक संकरी गुफा से रेंगकर पहुंचा जा सकता है। प्रसिद्ध त्यौहार नवरात्रि के 9 दिन के दौरान इस मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जिस प्राकृतिक सुंदरता के बीच यह मंदिर खड़ा है वह काफी मनमोहक है। ऊपर से पूरा माउंट आबू शहर दिखाई देता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि परमार शासकों की उत्पत्ति माउंट आबू में अग्निकुंड से हुई थी। यही कारण है कि अर्बुदा देवी आज भी परमार क्षत्रियों की कुल देवी है। तो फाइनल काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। एक्चुअली अंदर कैमरा से कुछ भी अलाउड नहीं है, तो हम थोड़ा सा बाहर बैठे हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर व्यू है। लाइक अंदर आप जैसे आओगे ना तो आपको फ़ोन सब कुछ रखवा देंगे और एक टोकन देंगे, तो हमने वहाँ पे फ़ोन जमा कर दिया। जब हम लोग बाहर निकलेंगे ना तब तो वापस फ़ोन ले लेंगे। और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत ऐसा व्यू आता है देखो। और जब मैं शुरुआत में लाइक चढ़ रहा था ना तो भैया से पूछा था ना, भैया कितनी सीढ़ियाँ, तो भैया ने बोला सीढ़ी मत पूछो बस 10 मिनट में चढ़ जाओगे। और सही में 10 मिनट में पहुँच भी गए। पर काफ़ी ऐसा मतलब वर्थ इट था, व्यू भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे से दर्शन भी हो गए। तो अगर आप भी आते हो यहाँ पे माउंट आबू तो एक बार ज़रूर अर्बुदा देवी मंदिर एक बार आप दर्शन करने आ सकते हो। मनाली बालू 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 बस यहाँ से अभी नीचे उतर है। अर्बुदा देवी मंदिर काफी से दर्शन हो गए और हमें भालू दिखा। और पहले बहुत भीड़ थी तो मैंने बोला कितनी भीड़ की हुई है, फिर देखा तो भालू था और भालू उसके साथ एक छोटा छोटा भालू भी था, मतलब बच्चा था। तो काफ़ी मैंने पहली बार ऐसे लाइव देखा, मतलब ऐसे जूम में तो देखा है पर पहली बार एक्चुअली मैंने लाइव देखा। धीरे धीरे वो ऊपर आ रहा था पर बाद में पता नहीं चिल्लाया, पता नहीं क्या हुआ, कोई किसी ने तो वो नीचे वापस भाग गया। काफ़ी मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि हम लोग ऐसे जंगल के बीच में चल रहे हैं। मतलब देखो पूरा मतलब चारों साइड जंगल ही जंगल है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं।